अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले बताया था कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राम मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और राम मंदिर पर आतंकियों के बड़े हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। नई दिल्ली में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमले का इनपुट मिला है और पता चला है कि आतंकी सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान बना रहे हैं, जिसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा है कि आपको ध्यान होगा, पहले भी एक बार राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला करने आए थे, वो सब लोग मारे गए थे और राम जन्मभूमि का वो बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। हमको विश्वास है कि भारत सरकार ने राम जन्मभूमि की सुरक्षा की अचूक व्यवस्था की है और हम इस बारे में निश्चिंत भी हैं और सावधान भी हैं कि पाकिस्तान का ऐसा कोई मंसूबा अयोध्या में सफल नहीं होने देंगे। अयोध्या में जहां राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आतंकी संगठन अयोध्या में राम मंदिर पर हमले करने का प्लान कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमला करने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की साजिश रची है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमला करने के लिए आतंकवादी पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में घुसने का प्लान बना रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद नेपाल के रास्ते में भारत में सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती हमलावर का दस्ता भेजकर हमले का प्लान बना रहा है। ये सही बात है और इसलिए भारत एक क्षण के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता। पूरे देश में इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं। हाँ जी। कश्मीर में जब कभी कुछ शांति होने लगती है तो टारगेटेड किलिंग होती है, पर अयोध्या कश्मीर नहीं है। अयोध्या भारत के केंद्र में है, सुरक्षा की अचूक व्यवस्था वहां पर है और इसलिए वहां पर कुछ दुर्घटना होगी ऐसी संभावना हमें नहीं है। हम तैयार हैं। आपको बता दें, श्री राम मंदिर निर्माण 50% से ज्यादा काम हो चुका है। जहां राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां सुरक्षा पहले से ही चाक चौबंद है। इस अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि हमलावर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए।